हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम टेक्निक्स ऑफ टीचिंग का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस। बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चांसेस रहते हैं इसके आने के, दो नंबर में भी और बड़े क्वेश्चन में भी। बड़े क्वेश्चन में ये कंबाइन होकर आ सकता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन मेथड के बीच में। तो जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की है वो भी वीडियो में आपको अभी थोड़ी देर में डाल दूंगी, ठीक है। और सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर ज़रूर कर लीजिएगा, आने वाली सारी आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, उसके लिए आपको बेल बजानी पड़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ आप लाइक शेयर ज़रूर करके जाया करो, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर असिस्टेड क्या होता है? जहाँ पर एक कंप्यूटर की हेल्प से एक टीचर अपना कंटेंट टीच करता है। देखिए, कंप्यूटर अब आज के टाइम पर हर जगह पर यूज़ होता है, ठीक है। पहले इसका मतलब समझ लीजिए, एग्जैक्ट इसको आप लिखोगे क्या? फर्स्ट यू विल राइट अबाउट कंप्यूटर कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इन विच यूजर गिव्स इनपुट एंड प्रोवाइड द कंप्यूटर प्रोवाइडर्स आउटपुट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि कंप्यूटर की हेल्प से किसी भी तरह से अगर आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो टीचिंग के लिए, इट मीन्स यू आर डूइंग कंप्यूटर असिस्टेंट टीचिंग, ठीक है। सो कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन इज एन इंटरेक्टिव इंस्ट्रक्शनल टेक्निक वेयर बाय अ कंप्यूटर इज यूज टू प्रेजेंट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड मॉनिटर द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस। कि आप किसी ना किसी तरह से कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हो, किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो अपनी टीचिंग के लिए, कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, बच्चों को एटमोसफियर इंटरेक्टिव देने के लिए, ठीक है। सो अ सेल्फ लर्निंग टेक्निक यूजुअली ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन का मतलब होता है कि आपने कंटेंट बना के डाल दिए, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस बनाकर अपलोड कर देती हूँ और आप उसको टाइमली जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप देख लेते हो। और ऑनलाइन में होता है कि आप फेस टू फेस बैठ के हम टीचिंग लर्निंग करते हैं, ठीक है। सो इन्वॉल्विंग द इंट्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स विद प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स। अ कम्प्लीट पैकेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम एंड इज प्रेजेंटेड सिक्वेंशली। इसमें क्या करता है, जब भी टीचर कंप्यूटर असिस्टेड टीचिंग करता है, इंस्ट्रक्शन करता है, तो इस मेथड में पहले टीचर को जो जो कंटेंट पढ़ाना होता है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, फिर उसको सिस्टमेटिकली एक सिक्वेंस में अरेंज करता है, ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। और उसके बाद में उसको देखता है, एक बार रिवाइज करता है कि उसने सही से किया है, कोई उसको स्लाइड आगे पीछे करने की ज़रूरत हो या कुछ भी, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आंसर या इंटरेक्टिव स्लाइड ज़रूर होती है, जहाँ पे बच्चों से फीडबैक ली जाए कि उन्होंने कंसेप्ट समझा या नहीं, ठीक है। तो इस तरह से वो अपना कंप्यूटर की हेल्प से टीचिंग करते हैं। सो आप देख सकते हो इसमें जो पहले पुराने मेथड होते थे, जैसे ओल्ड थियोरेटिकल मॉडल ऑफ लर्निंग कि टीचर पढ़ाता था, और जो न्यू थ्योरेटिकल मॉडल था उसमें कंप्यूटर की हेल्प से कि अगर बच्चे को एक कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो उसको वो कंसेप्ट समझाने के लिए बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग की कोई पिक्चर दिखाई जाती है या वीडियो दिखाई जाती है, ठीक है। और पहले क्या होता था कि टीचर सेंटर्ड होता था, कि टीचर को क्यूरिकुलम अपने आप डिसाइड करते थे और जो कंटेंट उन्होंने पढ़ा दिया बस जी ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो याद कर लो, या कुछ टेक्निक को चेंज कर भी, कुछ टीचर्स कर भी लेते थे, कुछ नहीं भी करते थे, डिपेंड अपॉन टीचर टू टीचर, राइट। सो डेवलपमेंट ऑफ पीआई प्रोग्राम इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, इसमें फेज वन होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले टीचर प्रिपेयर करता है। सेकंड फेज में होता है कि राइटिंग फेज, वो राइट करते हैं कि उन्होंने क्या क्या कंसेप्ट पढ़ाने थे और किस सिक्वेंस में पढ़ाने हैं, ठीक है। फिर उसमें के बाद उसको वैलिडेट करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ CAI कि कंप्यूटर असिस्टेंट लर्निंग में टाइप्स कितनी होती हैं, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, ट्यूटोरियल, सिमुलेशन, इंस्ट्रक्शनल गेम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये पांच तरह की हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड में क्या होता है कि बच्चों को इंटरेक्टिव गेम्स इंटरेक्टिवली उनको जो उनको आता है उसको प्रैक्टिस करवाया जाता है पहले, ताकि उनकी नॉलेज को पता किया जा सके कि उनको उस कंसेप्ट की नॉलेज कितनी है और कहाँ तक उनको करवाया गया था और कहाँ तक उनको याद है, करवाया सारा जाता है। बट स्टूडेंट्स की मेमोरी की एक जैसे कैपेसिटी होती है ना कि वो कुछ ही याद रख पाते हैं नेक्स्ट सेशन में, तो उनकी पहले नॉलेज को देखा जाता है कि उनको कितना याद है, फिर बाद में उनको आगे करवाया जाता है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट लेवल ऑफ CAI। ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स टू रिपीटेडली प्रैक्टिस द स्किल्स दैट दे हैव प्रीवियसली लर्न, कि उन्होंने प्रीवियसली लर्न कर रखा है उसको प्रैक्टिस करवाया जाता है। एंड फर्दर प्रैक्टिस नेसेसरी फॉर मास्टरी, और फर्दर के लिए उनको
प्रैक्टिस करवाई जाती है, वो करवाई मतलब टाइम टू टाइम उनको उसमें से क्वेश्चंस डाले जाते हैं। सो क्राइटेरिया ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड, क्राइटेरिया कैसा रखा जाता है कि फॉर्मेट बहुत ही इंटरेक्टिव रखा जाता है, ठीक है। सेकंड इज इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज हैंडल अप्रोप्रिएटली, कि जो क्वेश्चन टीचर ने बच्चों को दिखाया है या दिया है अगर उनको वो नहीं आता तो उनको बहुत ही पोलाइटली हैंडल किया जाता है, उनको इस तरह से सॉल्व करवाया जाता है कि उस कंसेप्ट के रिगार्डिंग सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोविजन मेड द प्रोग्रेशन इन लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी, आइटम्स ऑफ सेम लेवल केम सेलेक्टेड एट रेंडम, यूज़र कैन एस्टेब्लिश द पेस, मतलब कंक्लूजन ये निकलता है कि उन्होंने जितना भी, जैसे कि अगर हम कहें कि नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम में जो भी 5-6 कंसेप्ट आते हैं उन सब को बीच बीच में से क्वेश्चंस डालना, एक ही तरह के क्वेश्चंस नहीं डालने, रैंडमली क्वेश्चंस डालना और उनको प्रैक्टिस करवाना, ठीक है, इंटरेक्टिव वे से प्रैक्टिस करवाना। अगर उनको नहीं आता है तो उसके रिगार्डिंग उनको इस तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करना कि उनका कंसेप्ट में कोई डाउट ही ना रहे और कभी भूले ही नहीं हो, ठीक है। एक बार तो वो कर चुके हैं ना, दोबारा उनको रिवाइज करवाना है। एम्प्लॉय मोटिवेशनल टेक्निक, कि उनको मोटिवेट करना है। रिवार्ड्स प्रेजेंटेड फॉर करेक्ट रिस्पॉन्सेज, अगर उनके आंसर सही हैं या एक बार नहीं आने के बाद उनको याद आ जाते हैं तो उनको रिवॉर्ड दिया जाता है। अगर उनको कंसेप्ट नहीं भी आता, भूल गए होते हैं, टीचर उनको दोबारा से रिवाइज करवाता है और फिर क्वेश्चन पूछता है और आंसर्स देने पे उनको रिवार्ड किया जाता है, जिनको मोटिवेशन मिलता है। सो टीचर कैन मॉडिफाई द कंटेंट आल्सो, अगर बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब कि उनका वो कंसेप्ट पूरी तरह से भूल गया है ना, तो टीचर क्या करते हैं कि उस कंसेप्ट को चेंज कर देते हैं और उसके बाद दूसरा कंटेंट दे देते हैं, उसको वो अपने लिस्ट में डाल लेते हैं कि ये बच्चे को नहीं आता तो ये हमें स्टार्टिंग से करवाना पड़ेगा। एक बच्चे के लिए भी वो अपने कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्यूटोरियल मोड, द प्रोग्राम ट्यूटर्स और टीचर्स द स्टूडेंट अ बॉडी ऑफ नॉलेज बाय प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड आस्किंग क्वेश्चंस, उनको इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं कि बताओ जी इसका आपको क्या, आपने पहले इन्फॉर्मेशन दे दी उसके बाद उसमें से क्वेश्चन पुट करते हो। जैसे मैं आपको पूछूं कि भाई आपको ड्रिल एंड प्रैक्टिस मेथड में क्या समझ में आया, ठीक है, तो आपको जो जो चीज़ें समझ में आई वो आप बता दोगे, जो नहीं समझ में आया वो आप डाउट क्रिएट कर दोगे और मैं आपका पॉइंट वो क्लियर करूँगी, ठीक है। सो गिविंग हिंट्स ऑफ सॉल्यूशन टू स्टूडेंट्स, ये इंटरेक्टिव मोड में बहुत अच्छा मेथड रहता है। नेक्स्ट, ट्यूटोरियल्स कैन फ्री द फैकल्टी मेंबर्स फ्रॉम टीचिंग सम ऑफ द रूटीन बेसिक मटेरियल, कि जो रूटीन में हम करवाते हैं ना उससे हमें भी एक फ्रीडम मिल जाती है। सो एट द सेम टाइम द स्टूडेंट्स मे फाइंड द ट्यूटोरियल्स मोर इंटरेस्टिंग एंड फन देन द इंस्ट्रक्टर्स लेक्चर, तो इसमें क्या होता है कि ट्यूटर्स भी और स्टूडेंट्स भी दोनों को ही जो उनका ट्यूटोरियल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, एक चेंज मिल जाता है रूटीन से। सिमुलेशन पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो पूरी बना चुकी हूँ, ना देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ पे हम सिमुलेशन का मतलब लेंगे कि एक एटमोसफेयर क्रिएट कर देना कंसेप्ट के रिगार्डिंग। सो क्लियर डायरेक्शन, इसमें हम क्या करते हैं, क्लियर डायरेक्शन देते हैं कि जो चीज़ उनको समझानी है सिर्फ उसी के ऊपर फोकस किया जाता है और उसी के रिगार्डिंग उनको रियल लाइफ को कुछ पिक्चर्स या कुछ वीडियोज़ दिखाई जाती हैं। सिंपल कीबोर्ड पैडल यूज़, इसमें क्या होता है कि सिंपल कीबोर्ड को ही हम यूज़ करते हैं। रियलिस्टिक सिचुएशन फॉर रोल प्लेइंग, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंटेंट को ध्यान में रख के उनको रियल लाइफ से रिलेटेड इमेजेस और वीडियोस दिखाई जाती हैं, रोल प्ले दिखाई जाते हैं। हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट इज मेंटेन्ड थ्रू आउट, कि उनके इंटरेस्ट जहाँ पर भी कम होता लगे तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी की जाए कि उनका इंटरेस्ट फिर से क्रिएट हो जाए। रिजल्ट्स प्रिडिक्टेड इन यूज़र इम्पल्स, कि जो रिजल्ट्स हैं उनको ध्यान में रखना है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उस पर नहीं हटना होंगे। वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी, जो डिफिकल्टी लेवल है ना उसको बढ़ाते कम करते रहना चाहिए ताकि बच्चों को ये ना लगे कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द कंप्यूटर सिमुलेशन वेयर द कंप्यूटर प्लेज द रोल्स ऑफ बुक्स, ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ द बुक्स इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। गेम मोड, अब देखिए गेम मोड में क्या होता है कि ये एक सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं जो कि कंप्यूटर्स के अंदर इंस्टॉल करवाए जाते हैं या किए जाते हैं या ऑलरेडी इंस्टॉल भी होते हैं। तो जब ये डिपेंड करता है बच्चे, इंडिविजुअल स्टूडेंट टू इंडिविजुअल स्टूडेंट, बिकॉज सम वॉन्ट्स टू प्ले गेम्स ऑफ दैट स्पाइडरमैन, बैटमैन, छोटा भीम एक्सेट्रा, एंड सम वॉन्ट टू प्ले एजुकेशनल गेम्स लाइक वर्ड गेम, नंबरिंग गेम, टेबल्स गेम, एडिशन गेम्स, सब्ट्रैक्शन गेम्स, राइट। सो इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। गेम सॉफ्टवेयर ऑफन क्रिएट्स अ कंटेस्ट टू अचीव द हाइएस्ट स्कोर एंड ईदर बीट अदर्स और बीट द कंप्यूटर। या आप किसी अपने फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हो, उनको चैलेंज कर सकते हो, या कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हो। सो द एक्सटेंड ऑफ लर्निंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गेम, फॉर एग्जाम्पल गेम्स ऑन स्पेलिंग,
नेम ऑफ प्लेस एंड जनरल नॉलेज। जैसे कि नेम ऑफ प्लेस में आप किसी भी जगह का नेम लेते हो और उसी से आप आगे स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ये गेम मोड भी सी में कंप्यूटर सिस्टम इंस्ट्रक्शंस में आता है। एडवांटेजेस ऑफ सी ए आई, देखिए ये आपको इंक्लूड करने ही करने हैं, ठीक है। चाहे आपको क्वेश्चंस किसी भी तरह से पूछा जाए, सी ए आई और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको इंक्लूड हर तरफ से करने हैं, ठीक है। एक तो वन टू वन इंट्रैक्शन होता है, ठीक है। आप टीचर्स भी हैं और वीडियो भी है दोनों, एक और से आपको टीचर जहाँ पे आपको वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, कंप्यूटर प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, आप उससे टीचर उसको समझाने के लिए रेडी रहता है। ग्रेट मोटिवेटर, आप मतलब आपको भी मोटिवेट करता है कि आपका एक्सप्लेनिंग वर्क कम हो जाता है, जहाँ पे प्रॉब्लम आती है आप सिर्फ वहीं पे काम करते हो, ठीक है, एज अ फैसिलिटेटर काम करते हो। फ्रीडम टू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट ऑप्शंस, आपको फ्रीडम मिल जाती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ठीक है, कि हम इसमें ये चीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं, ये कंसेप्ट जो है दूसरे कंसेप्ट से भी रिलेटेड है तो हम इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट ऑप्शन में आप आ जाते हो। इंस्टेनियस रिस्पॉन्स और इमीडिएट फीडबैक टू द आंसर्स इलेक्टेड, कि जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप उसका फीडबैक देते हो, या आप क्वेश्चन पूछते हो आपको आंसर्स मिल जाते हैं, ठीक है। सेल्फ पेसिंग अलाउ स्टूडेंट्स टू प्रोसीड एट देयर ओन पेस, अब जब वो वीडियोस में देखते हैं तो बच्चा ना खुद भी सेल्फ स्टडी करने के लिए रेडी हो जाता है, कि उनके पास डिवाइस हो, फ़ोन या फिर लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, तो उस पर वो खुद से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढे। हेल्प्स टीचर कैन डिवोट मोर टाइम टू इंडिविजुअल स्टूडेंट, अब जब उनके पास मटीरियल रेडी है, ठीक है, उनको ज़्यादा समझाने पे फोकस नहीं करना पड़ रहा, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहीं पे समझा रहे हैं, तो वो इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि एक इंडिविजुअल बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और उसका सॉल्यूशन उसको प्रोवाइड कर सकते हो, और बाकी बच्चों को डिस्टर्बेंस भी नहीं होती है, ठीक है। वो अपने लेवल के अकॉर्डिंग आगे जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट जिस बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है वो बच्चा भी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। बिकॉज एक टीचर को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व करना, और सारे बच्चों की डिफरेंट, क्योंकि हर एक का समझने का लेवल देखो डिफरेंट होता है। कोई बच्चा वीडियो को देख के समझ जाता है, उसको समझाने की एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, ठीक, किसी को फिर भी समझाना पड़ता है, तो कम टाइम में आप ज़्यादा बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। प्राइवेसी हेल्प्स अ शाय एंड स्लो लर्नर टू लर्न, अब देखिए इसमें शायनेस अगर किसी को होती है तो वो भी बाद में भी मैम से डिस्कस कर सकता है कि मैम मुझे वो स्लाइड समझ नहीं आई थी या कुछ भी। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल अटेंशन, आप इंडिविजुअल अटेंशन दे सकते हो। लर्न मोर एंड मोर रैपिडली, मल्टीमीडिया हेल्प्स टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट कंसेप्ट्स थ्रू मल्टी सेंसरी अप्रोच, क्योंकि आप इसे मल्टीमीडिया को भी यूज़ कर सकते हो ना, म्यूजिक लगा दिया, फिल्म लगा दिया, कुछ भी। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, स्टूडेंट्स कैन डिसाइड व्हेन, वेयर एंड व्हाट टू लर्न, कि जो बच्चों का दिमाग ज़्यादा शार्प होता है, दे हैव शार्प माइंड, दे कैन डिसाइड व्हाट द प्रॉब्लम इज एंड देन दे कैन ट्राई टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम फ्रॉम द कंप्यूटर और द मोबाइल। Now we will discuss the limitations or disadvantages of CAI. First is may feel overwhelmed by the information and resources available. कि जो आपके पास information या resources available है आप उसमें overwhelmed feel करते हो। कई बार बच्चे feel करवा देते हैं जी हम तो अपने आप कर लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है। Overuse of multimedia may divert the attention from the content. अब आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, आपको मिल गई, नीचे आपने कुछ और वीडियोस देख ली, साथ ही साथ आप खुलते खुलते कहीं का कंसेप्ट कहीं पहुंच गया, और मोस्टली आजकल तो वही होता है। लर्निंग बिकम्स टू मैकेनिकल, लर्निंग कम हो जाती है क्योंकि समझाने वाला कोई है नहीं, टीचर बच्चे यूँ सोचते हैं जी हम तो कंप्यूटर से देख कर ही कर लेंगे, बट जो एक कंसेप्ट क्लियरेंस होता है वो एक टीचर ही कर सकता है। जो छोटे छोटे डाउट्स होते हैं जितने वो क्लियर ना हो पाए उतने आप यूँ नहीं कह सकते कि भी आप उस कंसेप्ट के पूरी तरह से परफेक्शन हो गई है। परफेक्शन के लिए टीचर ज़रूरी है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड सी ए पैकेजेस, दैट इज़ द रियलिटी, कि गुड पैकेजेस की बहुत कमी है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अब हर जगह पे तो हम ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करवा सकते ना, हर स्कूल में नहीं प्रोवाइड करवा सकते, तो इसके लिए लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक डिसएडवांटेज है। तो ये था हमारा सेशन, आई होप आपको अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, बेल को बजवा के जाना। थैंक यू सो मच।